सॉरी आदि, मैं तुझे हेल्प नहीं कर सका, ईशा को रोक नहीं सका, क्या करूं मैं, क्या? थैंक यू बाबा सर, पेपर्स ढूंढने में आपकी हेल्प चाहिए थी, जो आपने कर दी। आपको आराम की जरूरत है, चलिए आपको कमरे में लेके जाते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये आदि। चुप रहना सीखिए। मुझे जान दो। बाबा साहब, आपने मुझे बहुत परेशान किया है, बच्चों की तरह बदमाशियां करते हैं आप। यू नो व्हाट, आपको सो जाना चाहिए, आपको सोने की जरूरत है बाबा साहब। थोड़े दिन सो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ी बदमाशियां कम करेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। आई एम सॉरी बाबा साहब, आपका जागना मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुका है, इसीलिए आपका सोना जरूरी है। वैसे भी आपके जागने से किसी का कोई काम नहीं रुक रहा। गुड नाइट बाबा साहब, हैव अ लॉन्ग एंड पीसफुल स्लीप। समथिंग रॉन्ग, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। ओ दी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सब कुछ ठीक है ना? कहाँ पर खोए हुए हो? या एवरीथिंग्स परफेक्ट, मुझे क्या हुआ है? हट, मुझे उठना है। आई मीन मुझे सोना है, आंखों में ना नींद भर गई है मेरे। आई हैव टू स्लीप।
पता है हम सब ने डिसाइड किया था कि आज पूजा के बाद हम डांस करेंगे और डांस का रिहर्सल मैंने सोचा था तुम्हारे साथ करूंगी, पर तुम इतने गुस्से में, आई नो तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा हॉटनेस फैक्टर है, बट प्लीज आदि प्लीज, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और सच मेरा हाथ नहीं पहुंच सकता, बांधो ना, बांधो ना प्लीज, तुमसे नहीं बनवाऊंगी तो किससे बनवाऊंगी, कम ऑन आदि, तुम क्या चाहते हो मैं ऐसे बाहर जाऊं, पता है बाहर कितने सर्वेंट्स हैं, तुम नहीं चाहोगे कि मैं उनसे बनवाऊं, राइट? तुम शायद भूल गई, मैं तुम्हारी असली जानता हूं, मैं तुम्हारा ये ड्रामा देख देख कर थक चुका हूं, तुम करते करते थकी नहीं अब तक, यानी मैं सिर्फ 2 घंटे बचे, उसके बाद मैं काकू काकी को डिवोर्स के बारे में बता दूंगा, सब खत्म होगा। फादी, तुम सब कुछ खत्म करना चाहते हो, हमारे रिश्ते को, इस शादी को, सबको बताना चाहते हो डिवोर्स के बारे में, ठीक है, आई एम विथ यू, बस एक आखिरी बार अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भर दो मेरे लिए। शायद भगवान भी ये सब देख के थक चुके हैं, उनसे भी और देखा नहीं जा रहा, oh my darling, आदि, तुम कितने इनोसेंट हो, शायद तुम्हें पता नहीं है कि जब निशा कुछ करना चाहती है तो भगवान को भी उसकी मर्जी के आगे झुकना पड़ता है। तुम चाहे जो कुछ कह लो, जो कुछ कर लो आदि, तुम्हें मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। सोचो क्या हो सकता है दोस्ती,
है ना? ओह गॉड, पागल है क्या जानी? कुछ भी सोच रही है? अरे अपनी इमेजिनेशन पे कंट्रोल कर। हाथी सर है यार, स्टुपिड नॉनसेंस, यू नो। नई नई दोस्ती है ना, इसीलिए अभी अच्छी लग रही है। या दैट्स इट। दोस्ती इतनी अच्छी लगती है? हाँ, आई एम श्योर। खुद को क्या I mean, पगला गई हो क्या? ये क्या हरकतें कर रही हो सारी? No, कुछ नहीं है, ये सिर्फ दोस्ती है, okay? It's just friendship, और कुछ नहीं है, दोस्ती है, that's final. कुछ नहीं है, do you understand that? दोस्ती है, final है, दोस्ती है. Final है, दोस्ती है, मगर किससे? जैसे उन्हें मेरा ब्रेसलेट याद था, वैसे ही उनके लाइफ के कुछ बड़े बड़े इवेंट्स, उसकी कोई छोटी सी निशानी अगर आप उस बॉक्स में डाल के उनको देंगे तो हो सकता है उन्हें वो मेमोरी याद आ जाए। हदी? हसी? जी बाबा। क्या हुआ? ठीक है आप? आपको चोट लगी है क्या? मुझे ना तुझे कुछ बताना था। हाँ बोलिए बाबा। मुझे कहना था, कुछ याद नहीं आ रहा है दी। It's okay. बाबा मैं आपके लिए कुछ लाया। इस बॉक्स में आपकी पुरानी यादें हैं, आपका पिता हुआ अंकल है, इन्हें देखकर शायद आपको कुछ याद आ जाए। बाबा ये देखिए, आपको ये पाला चाबी याद है? आपकी और काकुसा की जो पहली दुकान थी उसी का है। चुके ये लेटर याद है? ये आपने मुझे लिखी थी जब मैं यूएस गया था पढ़ने के लिए। हाँ चिट्ठी, पर क्या लिखा था मैंने उस चिट्ठी में? अच्छा कोई बात नहीं बाबा, आपको ये घड़ी याद है? आपने गिफ्ट दी थी मुझे मेरी ग्रेजुएशन पे। फिर आदि बहुत नाराज हो गए थे, तुम्हें लगा था कि मैं एक बहुत ओल्ड फैशन घड़ी लेके आया। हाँ बाबा, दिन भर तुमने मुझसे बात नहीं की थी। नहीं बाबा, बिल्कुल ऐसा हुआ था बाबा। बाबा आपकी दी हुई घड़ी, मैं सिर्फ यही घड़ी पहनता हूँ क्योंकि इसे पहनकर मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे करीब हैं। याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बाबा, आप परेशान मत होइए, जब आपको याद आ जाएगा तब मुझे बता दीजिए। अभी के लिए इतना ही बहुत है, मैं बॉक्स ही रख के जा रहा हूं, आप देखिएगा।
बाबा साहब, कैसे हैं? बाबा साहब, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप आदित्य से कुछ कहना चाहते थे? नहीं बिंदी, मुझे कुछ याद नहीं। बाबा साहब, आप कितने क्यूट हैं ना, कितने इनोसेंट हैं। कुछ याद नहीं रहता आपको, अल्जाइमर्स है, भूल जाते हैं। मैं काम करती हूँ, मैं भी आपको याद दिलाती हूँ आप क्या भूल गए। ठीक है, आप आदि को ये कहना चाहते थे कि आपके दांत में बहुत दर्द हो रहा है। दांत में? हाँ, याद नहीं आपको? आप अपना गाल पकड़ के घूम रहे थे, बहुत दर्द हो रहा था आपको। आप आदि से ये कहना चाहते थे कि वो आपको डेंटिस्ट के पास लेके जाए। डेंटिस्ट? ताकि डेंटिस्ट आपका जो पीछे वाला दांत है ना, विजडम टूथ, वो निकाल। आ कीजिए, मैं आपको बताऊं। आ कीजिए बाबा साहब, आ आ। बाबा साहब, यू नो व्हाट, आपको सोने की जरूरत है क्योंकि आप बार बार आदि और मेरे बीच में आ जाते हैं और मुझे पसंद नहीं मेरे और आदित्य के बीच में कोई भी आए। बाबा साहब, आप चैन की नींद सो जाइए प्लीज, क्योंकि आप चैन की नींद सोएंगे ना तो आदित्य को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। ठीक है, गुड नाइट बाबा साहब, स्वीट ड्रीम्स। देखो, सारी चीजें थाल में सजा के रखी है, तुम जाके पूजा घर में रख के आओ और पंडित जी से कह देना अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं मंगवा लूंगी। ठीक है काकी माँ, बस कीजिए, अब आप लोग नीचे जाइए, सारे मेहमान आपको ही पूछ रहे हैं। मैं कितनी बार मिलूं सबसे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी यहाँ पे। मैं जानती हूँ मन्नत आपकी थी, लेकिन आपने चढ़ावे की थाल पे हाथ रख दिया ना। बस अब मैं सब सामान नीचे ले आऊंगी, आप जाइए। ठीक है बिल्ली, अब तू आ गई है तो मुझे थोड़ी ना काम करने देगी। बिल्कुल सही, चल सारा सामान नीचे ले जा। ये नहीं, चढ़ावे की थाल मैं लेकर आऊंगी, बाकी सारा सामान ले जा। मम्मा की आज तक इतना फोर्स करने के बाद भी रो पीट के खर्ची उठाई है एंड आज ऑल ऑफ अ सडन पूरी की पूरी खीर बनाने की बात कर रहे हो। आपकी तबीयत ठीक है ना? ऑल ओके? सिर्फ बात नहीं कर रही हूं, प्रॉपर्ली बना भी रही हूं, देख ले। गुड जोक, अच्छा वाला था। हेलो, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? और तो क्या, जो इंसान खुद के लिए कभी एक ऑमलेट तक नहीं बनाता वो ऑल ऑफ अ सडन पूरी की पूरी कुकिंग की बात कर रहा है, हंसी आएगी ना? हां तो बनाती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बनाना नहीं आता। आज मन किया तो सोचा बना लेती हूँ, that's it। अब ज़्यादा बातें मत कर, भाग यहाँ से। Bye, जा रही हूँ। कल आदि सर ने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं उनके लिए खीर बना के तो ले जा ही सकती हूँ एज ए फ्रेंड। भाग जा, गो। जा रही हूँ। आप फिर से आ गए? मैं गया कब तक? हाँ तो फिर चले जाइए। उसके लिए आपको मेरे बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। किसने कहा कि मैं आपके बारे में सोच रही हूँ? मैं आपके बारे में नहीं सोच रही, बिल्कुल नहीं सोच रही। आप तो यहाँ हो ही नहीं, आप यहाँ नहीं हो, बस मेरे दिमाग का फितूर है, दैट्स इट। नहीं हूँ यहाँ। पक्का?
और कुछ नहीं है जी, इन कुछ हो भी नहीं सकता है। प्यार तो बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, आप कहती हैं तो चला जाता हूं। थैंक यू मिस अग्रवाल, आपका मैजिक बॉक्स वाला आइडिया पापा के लिए वर्क कर रहा है। यू आर वेलकम मिस्टर कुपकर।